नीचे दिए गए गद्यांश को आपको पढ़ करके उत्तर देना है पाँचवीं क्लास का एन परीक्षा सेट तीन नंबर हम देख रहे हैं इसमें हिंदी गणित पर्यावरण विज्ञान सभी के सोल्यूशन देखेंगे फटाफट देखते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों इसमें पूछा गया है कि ये जो पैसेज है इसको पढ़ना है उसके बाद में यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए इसके आंसर देने हैं तो गर्मियों की छुट्टी थी दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था तभी पेड़ के पत्तों को हिल हिलाती हुई कोई वस्तु धम्म से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वस्तु क्या हो सकती है एकदम से उठकर कर बरामदे की चिक सरका करके बगीचों की ओर भागा अरे बेटा कहाँ जा रहा है बाहर लू चल रही है दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम एक जोर से बोली परंतु दिनेश नहीं रुका उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी जून का महीना था धरती तवे की तरह तप रही थी पर दिनेश के को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी की ओर भाग चला तो ये इसका पैसेज है और इसके आंसर्स देखते हैं पहला क्वेश्चन है दिनेश घर में बैठा क्या कर रहा था तो सभी को पता है कहानी पढ़ रहा था लू किस ऋतु में चलती तो गर्मियों में लू चलती है दिनेश बगीचे की ओर क्यों भागा तो गिरी हुई वस्तु को ढूंढने के लिए भागा दिनेश का जो दो शब्दों से मिलकर बना है वो दिन प्लस बड़ा ईश आएगा तो ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा धरती का जो उल्टा शब्द होता है वो आकाश होता है सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आते हैं हम नीचे दिए गए काव्यांश यानी कविता दी गई है नाव बनाओ नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ वह देखो पानी आया घिर घिर करके बादल छाया है साथ समुंदर भर लाया है तुम भी रस का सागर भर लाओ पानी सचमुच सचमुच खूब पड़ेगा लंबी चौड़ी गली भरेगा लाकर घर में नदी धरेगा ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ इस तरह से ये कविता है और इस कविता के जो क्वेश्चन हैं बहुत आसान पूछे गए हैं कविता के इस अंश में किसे पुकारा गया है तो कविता में भैया को पुकारा जा रहा है और घिर घिर करके जो है वो बादल आ रहे हैं ठीक है आठवां क्वेश्चन है भैया को जल्दी क्यों बुलाया जा रहा है तो नाव बनाने के लिए बादल का समानार्थी यानी बादल जैसा शब्द जो है वो कौन सा होता है तो मेघ मेघ और बादल एक ही चीज़ होते हैं और कविता में लंबी चौड़ी किसे कहा गया है तो लंबी चौड़ी गली को कहा गया है इसके बाद में फिर से आपका एक गद्यांश है जिसमें आपका सुनीता सुबह सात बजे सोकर उठी कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं तो उसे याद आया कि आज तो बाज़ार जाना है सोचते ही उसकी आंखों में चमी आ, चमक आ गई और सुनीता आज पहली बार अकेले बाज़ार जाने वाली थी ये उसके लिए चमक वाली बात थी और फिर उसके बाद देखो उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़ करके खींचा और उन्हें पलंग के नीचे की ओर लटकाया फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पास की कुर्सी पर बढ़ी कुर्सी तक बढ़ी सुनीता चलने फिरने के लिए दोपहिया कुर्सी की मदद लेती है आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती है हालांकि कपड़े बदलना और जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है पर अपने रोजाना रोजाना के काम के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं तो ये सुनीता के बारे में है जिसका पैर ख़राब है और उसको जो है बाज़ार अकेले जाना है और उसके पैर जो ख़राब है तो वो व्हील चेयर यानी कि कुर्सी पे चलती है और उसको कपड़े पहनने में और जूते पहनने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो इस तरह से पैसे जाए तो इसके आंसर हम देखते हैं पहला ग्यारहवा जो क्वेश्चन पूछा इसमें सुनीता सुबह कितने बजे सोकर उठी तो अभी अभी हमने पढ़ा सात बजे वो उठी थी सुनीता बिस्तर पर बैठे बैठे सोच रही थी कि मुझे कौन कौन से काम करने हैं सुनीता के लिए कौन सा काम कठिन है तो उसको कपड़े बदलना और जूते पहनना दोनों कठिन लगते हैं तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा चौदह नंबर क्वेश्चन है सुनीता की आंखों में चमक क्यों थी क्योंकि वो उसको पहली बार आज अकेले बाज़ार जाने वाली थी वो उसके बाद में गद्यांश से यह पता चलता है कि जो कि सुनीता अपना काम जो है फुर्ती से निपटाना चाहती थी और दूसरा हमें ये भी पता चलता है कि सुनीता अपना काम स्वयं निपटाना चाहती थी और तीसरा सुनीता ने अपने रोजाना काम के लिए स्वयं ही कई तरीके निकाल रखे थे तो सभी विकल्प इसमें सही है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वह कोण जिसकी माप नब्बे डिग्री से अधिक और एक डिग्री से कम हो तो जो भी कोण नब्बे डिग्री से ज़्यादा होते हैं जो भी कोण वो सारे के सारे अधिक कोण कहलाते हैं और जो नब्बे डिग्री से कम होंगे उसको हम न्यून कोण बोलते हैं तो न्यून कोण नहीं पूछा है इसमें अधिक वाला पूछा है तो अधिक वाला अधिक कोण होगा और न्यून वाला या कम वाला न्यून कोण होगा तो यहाँ पर ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसके बाद में आपका कोणों के चार समूह दिए गए हैं किस समूह के सभी कोण न्यून कोण हैं तो है तो सभी न्यूनकोण यानी नब्बे डिग्री से कौन से कोण है तो डी ऑप्शन में सारे नब्बे से कम है तो डी ऑप्शन हो जाएगा निम्नलिखित संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो आप देख पा रहे हो कि इसमें बारह नंबर यानी ए ऑप्शन जो है बारह संख्या जो है छोटी है दो सौ दस में से दस में कौन सी संख्या को जोड़े कि तीन सौ पच्चीस आ जाए तो तीन सौ पच्चीस में से दो सौ दस को घटा दोगे तो एक सौ पंद्रह आएगा यानी कि एक सौ पंद्रह को अगर आप दो सौ दस में जोड़ोगे तो तीन सौ पच्चीस मिल जाएगा तो इसका आंसर सी हो जाएगा इसके बाद में तीन अंकों की सबसे बड़ी वह छोटी संख्या का अंतर क्या होगा तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या नौ सौ निन्यानवे होती है और तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या सौ होती है दोनों का अंतर बताना है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा आठ नौ नौ तो आठ सौ निन्यानवे जो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा इसके बाद इसमें पूछा क्या गया आपसे दो जीरो पाँच जीरो को मिला करके आपको एक छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो इससे हम पच्चीस बना सकते हैं जो इसको लिख सकते हैं जीरो जीरो पच्चीस यही सबसे छोटी संख्या बन सकती है इससे बाईस नंबर है एक लीप वर्ष में फरवरी में कुल कितने घंटे होते हैं तो फरवरी में लीप ईयर में आपके उनतीस दिन होते हैं और एक दिन में आपके चौबीस घंटे होते हैं तो उनतीस से चौबीस को जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास नौ सौ छियानवे घंटे आएंगे जो कि एक लीप ईयर में फरवरी में होते हैं तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा छः सौ छियानवे घंटा तेईस नंबर है दिए गए चित्र का छायांकित भाग को भिन्न में लिखा गया है तो कौन सा आंसर सही है तो ए ऑप्शन क्यों सही है क्योंकि इसमें छः डब्बे हैं और छः में से केवल एक ही काला है तो यहाँ पे देखो छः डब्बे हैं और छः में से एक ही काला है तो छः तो टोटल डब्बे हैं उसमें से काला कितना है एक यानी कि छः नंबर में से उसको कितना मिल रहा है एक नंबर तो एक बटे छः इसका आंसर हो जाएगा रीमा दो किलोग्राम दाल बाजार से खरीदती है और निम्नलिखित में से कौन दो किलोग्राम के बराबर है ये आपको बताना है तो उसने क्या है ग्राम को किलोग्राम को जो है ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है तो एक ग्राम में होता है एक हज़ार एक एक किलोग्राम में एक हज़ार ग्राम होता है तो दो किलोग्राम में दो हज़ार ग्राम हो जाएंगे तो जोड़ लो इसको दो हज़ार ग्राम इसका सही आंसर हो गया तो दो इसका राइट आंसर हो गया चाहे गुणा कर लो दो से एक हज़ार को एक बाँस की लंबाई तीन पॉइंट पचपन सेंटीमीटर है और आपका दूसरा जो लंबाई है वो दो मीटर पैंतालीस सेंटीमीटर दोनों का कुल लंबाई तो तीन पॉइंट पचपन है उसके बाद में आपको दिया गया है दो पॉइंट पैंतालीस इनको जोड़ लेते हैं तो ये पाँच पाँच दस जीरो एक हाथ में आया तो पाँच और एक छः और चार दस फिर से हाथ में आया एक तो यहाँ लिख दिया तो तीन एक और तीन चार और दो छः छः और पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है तो छः वाला जो आंसर है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमको करेक्ट करना है निम्नलिखित में से किस माह में इकतीस दिन नहीं होते हैं तो आपको दिन गिनना आता है हर महीने का तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा जून में इकतीस दिन नहीं होते हैं दो बटे तीन को मीटर मिनट में दो बटे तीन मिनट में सेकंड आपको बताना है तो दो बटे तीन तो मिनट दिया हुआ है इसको सेकंड में गुणा करना पड़ेगा साठ से क्योंकि एक मिनट में साठ सेकंड होते हैं अब इसको काट लेते हैं तो ये हो जाएगा बीस से कट जाएगा और बीस गुना दो कितना हो जाएगा आपका बीस गुना दो हो जाएगा चालीस तो इसका आंसर क्या आ जाएगा चालीस सेकेंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ निम्नलिखित में से किसकी लंबाई एक मीटर से अधिक होती है तो यहाँ पर देखिए पेंसिल छोटी होती है कलम छोटी होती है किताब भी छोटी होती है पलंग की लंबाई एक मीटर से ज़्यादा होती है तो पलंग हमारा सही आंसर हो जाएगा बीस एवं तीस का साझा गुणनखंड बीस का गुणनखंड और तीस का गुणनखंड हम निकालेंगे तो दोनों का गुणनखंड जो आएगा एक दो पाँच दस आ जाएगा तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उसके बाद आते हैं हम दो हज़ार सतासी को अंकों में लिखा जाना है तो किस तरह से लिखेंगे तो दो जीरो आठ सात लिखेंगे ये दो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा राधा की माँ को कोरोना के कुछ लक्षण महसूस होते हैं राधा की माँ को कोरोना है या नहीं जानने के लिए सबसे सटीक सलाह कौन देगा तो चिकित्सक कर्मी यानी कि एक डॉक्टर जो है उसको सही बताएगा बाकी लोग नहीं बता सकते मनुष्य के खून में ह्यूमोग्लोबिन या आयरन की कमी है तो उसको अनीमिया रोग होता है अनिमिया इसका राइट आंसर होगा लॉकडाउन के समय बिना पास या उचित कागजात के चलने वाले लोगों के वाल चलने वाले वाहनों की जांच किसके द्वारा की जाएगी तो पुलिस के द्वारा वाहनों की जांच की जाती है रजनी की माँ सब्जी धोने के बाद बचे हुए पानी को पौधों में डालती है यह निम्न में से किस बात को प्रदर्शित करता है तो वो जल को बचा रही है जल संरक्षण यानी कि फेंक नहीं रही है जल को बचा रही है तो जल संरक्षण सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रीता पढ़ाई में अव्वल आती है साथ ही वह खेल कूद में भी बहुत चढ़कर हिस्सा लेती है कभी कभार कामों में भी हाथ बटाती है माँ के और रीता को ये सारे गुण किससे मिले होंगे तो यहाँ पे देखिए ये सारे गुण उसके अपने खुद के विकसित किए हुए हैं वो पढ़ाई में अगर अव्वल है तेज है तो उसने खुद मेहनत करी है खेल कूद उसकी स्वाभाविक है और वो जो है घर का काम बटाने के लिए यानी कि उसका हेल्पिंग नेचर है वो सब उसके खुद के गुण हैं इसमें से कोई नहीं है जो उसको गुण दे सकता है ठीक है मम्मी के गुण भी नहीं है उसके अंदर क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मम्मी जो काम करती है वो वो कर पाए तो सबके गुण अपने आप अपने होते हैं और खुद ही इंसान विकसित करता है जैसे, जैसे जैसे बड़ा होता है उसके गुण उसी तरह से विकसित होते जाते हैं उसके अलावा हम छत्तीस नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कुछ लोगों को किसी कारणवश अपने गांव या शहर को छोड़कर दूर के किसी गांव या शहर में जाकर रुकना जाकर रहना पड़ता है इसके कारण उनके जीवन में कौन सा बदलाव आ सकता है तो उनके काम का बदलाव जो है आ सकता है उनका नाम नहीं बदलेगा उनके आपसी रिश्ते नहीं बदलेंगे उनके शारीरिक बनावट नहीं बदलेंगे उनके काम में बदलाव आ सकता है उनको वहाँ जाके कुछ और भी काम करना पड़ सकता है थर्टी सेवन नंबर इसमें से कौन सी चीज़ आम लोगों को शहरों की अपेक्षा गाँव में कम उपलब्ध है तो रोज़गार के अलग अलग साधन जो है गाँव में नहीं होते गाँव में बस खेती बाड़ी से ज़्यादा कोई साधन नहीं होता और दुकानदारी के अलावा कंपनियाँ नहीं होती हैं तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अड़तीस नंबर जो क्वेश्चन है पुल कारखाने हाइक वे इत्यादि के कारण कुछ लोगों को इनमें से कौन सी परेशानी हो सकती है तो उन्हें जो देखो ये सब चीज़ें जब बनती है तो उन्हें अपने घर गांव या शहर को बदलना पड़ सकता है ठीक है क्योंकि ये चीज़ें जो है बनते हुए अगर आपके घर के पास से निकलती है तो आपके घर को तोड़ दिया जाता है और गांव से निकलती है तो गांव के भी बहुत सारे मकान तोड़े जाते हैं और तो इस तरह से आपको जो है आपको ये बी ऑप्शन कर करना है उनको अपने घर गांव या शहर को बदलना पड़ सकता है थर्टी नाइन नंबर है सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर भी वे किसी आवाज़ को किस प्रकार सुन पाते हैं तो ज़मीन के कंपन से वो सुन पाते हैं ठीक है ठीके? तो जमीन के कंपन से सुन पाते हैं उनकी कंपन क्षमता सुनने की बहुत ज़्यादा होती है चालीस नंबर जो क्वेश्चन है हमारे घरों में उपलब्ध इन खाद्य पदार्थों में से कौन सा खाद्य पदार्थ वर्ष भर की खरा भी खराब नहीं होता तो देखो जो चीज़ें वैसी हैं जो हम रोजीना खरीदते हैं जिसमें आलू आ जाता है एक दो दिन में खरीदते हैं टमाटर भी एक दो दिन में और दूध हम पर डे खरीदते हैं ये जो चीज़ें हम खरीदते हैं रेगुलर रोजी हम खरीदते हैं वो चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं और जो चीज़ें हम काफ़ी समय बाद खरीदते हैं जैसे कि चावल आटा इनकी जो है ख़राब होने की क्षमता बहुत ही कम होती है तो इसमें चावल विकल्प दिया है तो चावल इसका सही हो जाएगा इकतालीस नंबर क्वेश्चन है खेतों में उप उप जाने वाले खाद्य पदार्थ अपने उपयोग से अधिक होने पर किसान को क्या करना चाहिए उचित दामों पर वो मंडी या बाज़ार में उसको बेच देना चाहिए वो रखेगा तो उसमें चूहे लग सकते हैं कीड़े लग सकते हैं सड़ सकता है कुछ भी हो सकता है बयालीस नंबर है आप अपने घर के लोगों तथा तो आसपास के किसानों को अच्छी और अधिक फसल के लिए इनमें से कौन सी सलाह देंगे तो वो जल उर्वरक और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करके जो है फसलों को अच्छी तरह से उगा सकता है उसके बाद आते हैं फोर्टी थ्री नंबर पे तो फोर्टी थ्री नंबर जो है इसमें पूछा गया हम भोजन करते हैं पसने के बाद उससे शक्ति मिलती है परंतु भोजन का पाचन हमारे शरीर के किस अंग में पूरा होता है ये हमें बताना है तो हमारी शरीर का सारा भोजन जो है छोटी आँत में पचता है आँत में इसका आंसर है छोटी नहीं लिखा है तो आँत इसका आंसर लिख देंगे किस प्रकार के भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलने की संभावना रहती है तो जो भी हमारे भोजन संतुलित होंगे उन सभी भोजनों में हमें ये मिलेगा तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके बाद में पैंतालीस जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है इस पेपर का पानी पर तैरने वाले घर को किस नाम से जाना जाता है तो उसको हम हाउस बोट बोलते हैं ठीक है हाउस बोट जो कि ज़्यादातर आपको मिलेंगे कहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ठीक है तो हाउस बोट बोला जाता है तो ये हो गया इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन पेपर का आप देख सकते हैं इसको कंप्लीट सोल्यूशन आपके मासिक जाँच परीक्षा के भी सोलूशन मैंने बना दिए हैं उनको भी देख करके आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच हैवे गुड डे